मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सीट्स को लेकर के हुआ था, आप भी नाराज थे सीट से देखिए, बढ़ोतरी मैंने कहा जो बात खत्म हो गई उस पर अब आप बात नहीं करनी चाहिए। आगे आने वाले समय में इन परिणामों के बाद इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। तेलंगाना से आप जाएंगे, आप वहां पे अभी शपथ ग्रहण आप जाएंगे सर? तेलंगाना में अपने जो साथी थे उनसे मिलने जाऊंगा। सर जिस तरीके से जितने जगह चुनाव हुआ बीजेपी वहां से अपने मुख्यमंत्री के चेहरे को बदल रही है, ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी 27-24 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा और फिर फेस चेंज किया जाएगा ऐसा? मैं सभी मत छेड़ो, आप नहीं जानते हमारे मुख्यमंत्री जी को। जो समाजवादी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीते और किस तरीके से गठबंधन मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर सूपड़ा साफ करे। अखिलेश जी, ये देखिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था आपके समय में बनाई गई थी, 100 वार्ड बनाई गई थी, तमाम सारे आज जो कर्मचारी वो बातचीत करते हैं, नौकरी के को लेके बातचीत करते हैं, आखिर क्यों जो है इतना? मैंने विधानसभा में इस बात को कहा था कि सरकार के लोग अगर किसी अस्पताल में जाना चाहें और व्यवस्था देखना चाहें तो वो चले चले, और अगर विपक्ष की तरफ से जाना हो तो हम चले जाएं। आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं है, इलाज के लिए पर्याप्त दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर इंतजार करा रहे हैं अगर ऑपरेशन होना है, और इसके साथ साथ जो सुविधाएं स्ट्रेचर नहीं है, मान लीजिए एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पा रही है, पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खत्म कर दी हैं, और एक भी जिला अस्पताल अभी तक सरकार ने नहीं बनाया जिसमें गरीब का इलाज हो जाए। सर लोकल बॉडीज के चुनाव में सपा का बाराबंकी में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था, तो क्या इस बार 24 में हम लोग सपा के किसी कैंडिडेट को देखेंगे कि क्या फिर से? समाजवादी पार्टी बाराबंकी में इतिहास दोहराएगी। एक समय था समाजवादी पार्टी यहाँ पर मजबूत गढ़ की तरह और समाजवादियों का माना जाता था। हमें उम्मीद है और हमें भरोसा है अपने समाजवादी साथियों पर कि बाराबंकी और आसपास के जिलों में बेहतरीन रिजल्ट होगा और ऐतिहासिक परिणाम इस बार आए। जिन्होंने बातें रखी हैं चुनाव के परिणामों पर, उन्होंने यही कहा कि परिवर्तन का मतदान हुआ है, परिवर्तन का वोट है, तो इसलिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रदेश स्तर पर ये परिवर्तन का वोट है तो कल जब दिल्ली का चुनाव होगा तो एक बार फिर जनता परिवर्तन के लिए वोट डालेगी। और सवाल वही है, किसान की आय दोगुनी होना, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलना, चरम सीमा पर महंगाई है आज भी, जो बिजली की सुविधा मिलनी चाहिए थी या सस्ती बिजली उपलब्ध होनी थी वो नहीं है, अल्पसंख्यक अभी भी दुखी है, जो दिया भी गया है हमारे बुनकर भाइयों के लिए बजट में वो पर्याप्त नहीं है, सड़कों के अभी भी गड्ढे बंद नहीं हो पाए, सरकार खुद स्वीकार कर रही है, और जो अखबारों में आंकड़े आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक्सीडेंट से भी मृत्यु ज्यादा हो रही है, जो आंकड़े सामने आए हैं, और एक्सीडेंटल डेथ अगर हुई है तो जो कारण बताया गया वो यही कारण बताया है कि सड़कों में गड्ढे होने की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं और उसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था से ज्यादा आप सड़क पर साठ देखते हो, तो जो बुनियादी सवाल थे वो आज वैसे ही हैं। दिल्ली की सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आज घर घर बेरोजगार हैं और एक एक नौजवान रोजगार मांग रहा है। इन्वेस्टमेंट में बड़े सपने दिखाए गए थे कि इन्वेस्टमेंट आएगा, आज एक अखबार में निकला है कि कई इन्वेस्टमेंट करने वालों ने एमओयू वापस ले लिए, तो ये बहुत ही खराब बात है। अगर एमओयू हुए हो उनको शायद सुविधा नहीं मिली इसलिए वो अब इन्वेस्टमेंट करने उत्तर प्रदेश में नहीं जा रही, ये बड़ी बात है कि आप इन्वेस्टमेंट के बहाने इतने बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। अब मान लीजिए उत्तराखंड आयोजन कर रहा है इन्वेस्टमेंट मीट का, तो आपके यहाँ क्या होगा जिन्होंने एमओयू किया है? और फिर सरकार को ये बताना चाहिए कि एमओयू हुए उससे ये उद्योग आया या कारखाना लगा, इस उद्योग के लगने से इतना पैसा लगा है और इतने लोगों को नौकरी और रोजगार मिले, वो अभी भी सरकार आंकड़े नहीं दे पा रही।